सरकार तो ये है कि अखिलेश की भी अच्छी रही है, अखिलेश यादव जी अच्छे रहे हैं और मायावती जी अच्छी रही हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जीना पसंद करोगे या परिवर्तन चाहोगे 22 में? ऐसा है, परिवर्तन तो ये सरकार रही तो परिवर्तन तो होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। आगे की स्थिति है जो बहन जी की सरकार आती है आपके हाथ में, 22 में अगर आप चाहोगे तो सब 22 में जो हम सब जो संगठन करेंगे सरकार दूसरी बदलेंगे, बहन जी की सरकार आएगी या अखिलेश जी क्या है तो संगठन हो सकता है, नहीं कुछ नहीं हो सकता है सरकार के मध्य में, इस देश का कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी सरकार कैसी लग रही है योगी जी की आपको? सब बेकार है, कोई रोगी भोगी ना है, सब अपने कार ही। जो जो मायावती की सरकार में थोड़ी बहुत कछु भयो, हाँ भयो बढ़िया भयो, क्या हुआ था मायावती? मायावती देखो टाइम फड़ाई बार खाने चल रही है और खाना पीना बार खाने मिन तो जब बहन जी की आ जाए और अखिलेश की आ जाए जी ना जी नहीं आम भैया, बहुत हम दुखी हैं, बहुत वक्त बहुत दुखी हैं हम, बहुत ज्यादा दुखी। हाँ नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम मौजूद हैं सादवाद विधानसभा क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत नौगावा के गांव डकरई में, और इस गांव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बद से बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे इस स्थिति का कारण क्या है और सरकार के करीब 4.5 साल हो गए और 2022 में चुनाव है और किस तरीके की अब तक स्थिति बनी हुई है। लगातार देखिए जैसे कि पहाड़ जंगल वगैरह जैसी स्थिति बनी हुई है, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। आइए करते हैं बातचीत। जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधाचरण है भाई साहब। तो स्थिति क्या है? स्थिति ये है, स्थिति ये है कि ये हरी है जाटव लोगों की, इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है, वोट के पक्ष सब लोग आते जाते रहते हैं लेकिन उसके बाद में कोई नहीं आता ना कोई जाता है। ये तुम्हारा गंदगी पड़ा है, ये कई सालों से पड़ा हुआ है, कब से पड़ा है ये बताइए? ये करीबन नहीं 20 साल हो गई हमें तो देखते देखते, ना तो कोई लाभ हो रहा है। यहाँ से अगर बाहर जाएं तो बाहर भी ये कह देते हैं यार प्रूफ दिखाओ, यार बाजार में रहने लग रहे हो क्या करें, ना गाँव में ना कोई काम है ना धंधा साला, और वो ऊपर से कुछ कूड़ा कचड़ा क्या करें, जीवन बेहतर होगा साला यहाँ रहते रहते। स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है और लेकिन उसके पास पैसा होगा उसी का काम चल रहा है आजकल, गरीबों के लिए कोई लाभ नहीं ना कोई कुछ है, लेकिन यही कह दिया है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, लेकिन अभियान को कोई देख नहीं रहा है, केवल पैसों को देख रहा है कि यहाँ से माँ मैगजीन पहुँचानी वहाँ से यहाँ पहुँचानी है, गरीबों को कोई नहीं देख रहा है। गाँव में जा करके देखो पानी नहीं है, कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये बिजली वाले आ जाते हैं कभी फीस भरे हैं कि बच्चों को पढ़ाएं कि क्या करें, मजबूर हैं लोग। पूरे गाँव की स्थिति यही बनी हुई है, यही बनी हुई है पूरे गांव की स्थिति। और सीमेंटेड बोलते हैं कि सीमेंटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी तो साला गंदगा ही नहीं गया हमारे सामने से, यही गंदगा ही ऐसा ही पला बचपन से, जैसा आपको अब हम देख पा रहे हैं ऐसा ही बचपन से आपको देखने ऐसा ही मिला है बचपन, इतना परिवर्तन हो गया है लेकिन सड़क भी नहीं आज तक हुई है यहाँ पर। चुनाव 2022 में होने वाला है तो आप कुछ परिवर्तन करना चाहोगे? कैसे करें कैसे करना चाहोगे 2022 में सरकार बदलोगे या कि? बदलेंगे, जो हमारे पास आकर के संपर्क करेगा, गरीबों की सुनेगा, गरीबों को अपना मसीहा बनाएगा तो उसे हम पहचान करके उसके साथ। गरीबों की मसीहा आपके अनुमान से कौन सी सरकार रही है? सरकार तो ये है कि अखिलेश की भी अच्छी रही है, अखिलेश यादव जी अच्छे रहे हैं और मायावती जी अच्छी रही हैं, लेकिन ये मुझीगा भी लेने जाते हैं तो 10-20 रुपए का मिलता है, ये भी टैक्स में जा रहा है, ये 10-20 रुपए का मुझीगा लेना पड़ता है, उसके घर में 10 रुपए का खाना पीना नहीं है, साग नहीं है, 10 रुपए का साग लेके आ सकता है वो जीवन कैसे काट सकता है, जो पहले से था वो तो चला गया अब है नहीं है तो क्या अपने बच्चों को बेच करके क्या करे, वो अपना दिन तो काटना है उसे, बहुत ज़्यादा दयनीय हो और ज़्यादा डेंजर है, न तो साली खेती है न कोई पट्टा है, वो मकान वाले आते हैं कभी तो कोई कह देता है पक्का है, आज तक एक मकान में 10 जने रह रहे हैं, आज तक न तो कोई क्वार्टर है, आवास बन रहे हैं मोदी जी बनवा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम क्या सोचेंगे कि मोदी जी कुछ नहीं करवा रहे हैं। वहाँ टीवी में लगातार प्रचार किया जा रहा है पर जमीन पर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई जमीन नहीं है कुछ नहीं है, बस एक मकान है रहने के लिए, उसमें 5 व्यक्ति रहते हैं और उसके बावजूद मैं हाथरस में एक बार दरख्वास्त दे चुका हूँ और मोदी जी के पास भी मैं एक बार नंबर पर कॉल कर चुका हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। अच्छा एक और सवाल है, चुनाव 2022 आ रहा है तो कौन की सरकार देखना चाह रहे हैं? सरकार देखना चाह रहा हूँ जो गरीबों के लिए करता है, वैसे हमारे विचार ये हैं कि भाईचारा और बैठेगा उठेगा
तो हम उनके बातों को लेकर के जब आगे कदम रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, परिवर्तन करेंगे लेकिन परिवर्तन हमारा भी सोच ले सरकार, क्योंकि गरीबों का परिवर्तन कैसा हो, बिजली का बिल होगा 40,000 बच्चों को खवाएगा क्या, साला वैसे भी मर गया, एक एक दो दो लाख रुपए दे रहे हैं मोदी जी सबको दे रहे हैं, यहाँ गाँव में कुछ नहीं है। और व्यक्तियों से बात करेंगे, आइए करते हैं बातचीत। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। ये स्थिति को देखते हुए आपने देखा स्थिति है पोखरा की कैसी स्थिति है, या मोदी जी या योगी जी आकर के पानी को देखें, इस झेल में पानी को देखें, इसमें कई मवेशी मर चुके हैं और दस्ता सब अच्छा पानी पीने के लिए है गाँव में? अच्छा पानी पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, पानी बहुत दूर से आता है, महिलाएं बहुत दिक्कत उठा रही हैं पानी की, कोई यहाँ कोई इतनी बहुत बड़ी परेशानी है, और 1.5 किलोमीटर पानी आता है। अच्छा रहा आपका स्वच्छ भारत मिशन का तहत के अभियान रहा, क्या घंटा अभियान है, इसका क्या अभियान है? हमारी सारी लेटरिंग का पैसा अभी तक आया नहीं है और हमने पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया था। जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं? कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है, हमारी लेटरिंग भी बन चुकी है, पैसा भी नहीं आ रहा है, पोर्टल पर MNBO की साहब के बातचीत भी की है लेकिन कोई इसका समर्थन नहीं हो रहा है, सब झूठी अफवाहें, कोई किसी का उनका होता है, दबंग लोग हैं उनका ही काम होता है, गरीब का कोई काम नहीं होता है। और गरीबों की मसीहा कौन सी पार्टी है वैसे? गरीब मसीहा बहन कुमारी मायावती ने गरीबों तरफ देखा, अखिलेश जी ने गरीबों तरफ देखा, और ये पार्टी जो अब है इस समय ये गरीबों के नाम पर कलंक है जी। वोट लिया जाता है वोट के तरह, जो ऐसे मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ डाल दिया है, जब वोट लेता है तभी बोलता है वो, अच्छा फिर बोलता है काम बोल रहा है, काम का काम बोल रहा है, हमारा रास्ता है यह रास्ता, हमारा कितना थोड़ा रास्ता दबंग में डाल रखा है, निकलने की रास्ता नहीं है, बालिमिक समाज पास में रहते हैं हमारे, बहुत बड़ी दिक्कत है, पूरे गांव का इतना फोत क्लास में काम पड़ा है हमारा। ऐसी स्थिति में जीना पसंद करोगे या परिवर्तन चाहोगे 22 में? ऐसा है परिवर्तन तो यह सरकार रही तो परिवर्तन तो होना ही नहीं है, आगे की स्थिति है जो बहन जी की सरकार आती है आपके हाथ में, 22 में अगर आप चाहोगे तो 22 में जो हम सब जो संगठन करेंगे सरकार दूसरी बदलेंगे, बहन जी की सरकार आएगी या अखिलेश जी की आए तो संगठन हो सकता नहीं, कुछ नहीं हो सकता है सरकार के मध्य में, इस देश का कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इतनी परेशान जनता पड़ी है, राशन के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है, पेंशन के आधार पर जनता को ठगा जा रहा है, राशन बराबर मिल, राशन एक किलो कम मिलता है यूनिट पर और कोई सुनवाई नहीं होती है। और दादी जी से बात करेंगे, दिखाइए क्या नाम है दादी आपका? मेरा महारानी। तो आपको पेंशन वगैरह मिल रही है इस बार? कछु ना भैया, 3 पोती दी आई, अच्छा। कोई कछु नहीं है मेरे पास, न कोई सुनाई हो न कछु, और न पेंशन ले आ रही न कछु आ रही, भैया पे घर ही बैठे बैठे मौज मार रहे हैं, डरे रहते हैं अपने, कोई सुविधा ना मिल, कोई सुविधा ना मिल रही बेटा, अकाउंट लिया 1,000 रुपये महीना को जो मिलेंगे 1,000 रुपये महीने पे आ रहे हैं, न कोई ना मिल रही, और भैया बिजली वाले टंका तोड़ रहे, रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं भैया, गेहूँ काट के डाल गए, बालक हमारे गर्मी में मरे सगड़ो दिन। ये सरकार कैसी लग रही है योगी जी की आपको? बेकार, सब बेकार है, कोई रोगी भोगी ना है, सब कंपनी का आदमी, हमारे कहा कोई ना है, हाँ कोई नहीं है हमारे कहा तो, ठीक है। और बताइए जो मायावती की सरकार में थोड़ी बहुत कछु भयो? हाँ भैया बढ़िया भयो, क्या हुआ था मायावती? मायावती देखो टाइम फड़ाई बालकन भी चल रही है, और खाना पीना बालकन में तो अब बालकन को आवत का बेहूठे जाते हुए, अब 3-3 किलो गेहूँ बालकन में मिलेंगे सुगन में थे, और 2-2 किलो 1.5 किलो मिलेंगे गुनगुनाई से, वो खाना पाते ना तो करे कहा। आप चाह रहे हो कि दोबारा हमें आपकी सरकार बहन जी की, जब बहन जी की आ जाए और अखिलेश की आ जाए, जी ना रहेगा जी नहीं आमे भैया, बहुत हम दुखी हैं, बहुत ज्यादा वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी, हाँ तंग आ गए बिल्कुल, तंग ज्यादा जी जी, भाई रोटियां खान दे रहे बिल्कुल नहीं ना तो महंगा है सस्ता, इनका बड़ी स्थिति खराब है इस गांव की, मौजूद से गांव डगरी में चुनाव 2022 पर भी इनकी राय जानी, इन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना, आपके सामने था सब कुछ, आप देख रहे थे बी मिशन टीवी चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद, जय भीम।